आपका मुद्दा, आपका सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र खबर। मैं हूं आपके साथ ममता, और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है आपका मुद्दा आपका सवाल। और हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग गुर्जर जी। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुराग जी, बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी उम्मीद के साथ कुछ शुरुआत करते हैं और उसका फीडबैक हमें हमारे ही आउटपुट के हिसाब से मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और आपका मुद्दा आपका सवाल दर्शकों, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर मुद्दे भी आपके होते हैं और सवाल भी आप ही के होते हैं। जिस मुद्दों पर आपके सवाल होते हैं जवाब देने के लिए हमारे साथ, जैसे कि आपको पता है, मौजूद है अनुराग जी, जो आपके सारे सवालों का जवाब यहाँ पे बेहतरीन तरीके से देते हैं। क्योंकि गुर्जर समाज को उठाना, उसके बारे में लोगों को जागृत करना, जगाना, यही हमारा उद्देश्य है। तो अनुराग जी, यहाँ पर बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी। दिलीप गुर्जर जिला झुंझुनू राजस्थान से, चंद्रवान गुर्जर जिला भरतपुर राजस्थान से, और मनोज गुर्जर जिला निलासपुर हिमाचल प्रदेश, वही राहुल गुर्जर जिला जलगांव महाराष्ट्र से, रोहित बैसला जिला पलवल हरियाणा से, और शेखर गुर्जर जी अनखीर फरीदाबाद से, ये हमारे साथ जुड़े हैं। इन्होंने कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे, आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ इन्होंने पूछा है। मैं दिलीप गुर्जर, तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू राजस्थान से। मेरा सवाल है कि भारत में गुर्जरों की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या है? नमस्कार, मैं चंद्रवान वीर गुर्जर, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट भरतपुर से। अनुराग सर, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं सर। आपका मुद्दा आपके सवाल में। सर, हमारी गुर्जर कौम, गुर्जर बरादरी की पूरी जनसंख्या हमारे विश्व में, हमारे देश में कितनी है? राम राम भाइयों, मैं मनोज गुर्जर, नैना देवी, हिमाचल प्रदेश, जिला बिलासपुर से बोल रहा हूँ। मैं अनुराग भाई जी से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश में गुर्जर भाइयों की कितनी जनसंख्या है? राम राम भाइयों, मैं राहुल गुर्जर, जलगांव महाराष्ट्र से। मुझे अनुराग गुर्जर जी का आपका मुद्दा आपका सवाल यह कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। मुझे अनुराग गुर्जर जी से यह जानना था कि ऑल ओवर अपने जो भारत देश है, इसमें गुर्जरों की संख्या कितनी है? नमस्कार सर, मैं रोहित बैसला, कुशलीपुर पलवल हरियाणा से। सर, हमें बड़ी खुशी हुई कि आप सोशल मीडिया और उससे कहीं ज्यादा जमीनी तौर पर अपने गुर्जर भाइयों को जागरूक कर रहे हैं। सर, इस काम के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे पूरे भारत में गुर्जर भाइयों की जनसंख्या कितनी है? राम राम सभी गुर्जर भाइयों को। भाइयों, मैं शेखर तवर, गांव अणखीर, जिला फरीदाबाद से। हमारे अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग गुर्जर जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे गुर्जरों की टोटल जनसंख्या कितनी है और सबसे ज्यादा गुर्जर कहाँ पे है? और मैं इसी के साथ ये सूचित करना चाहता हूँ कि आने वाले 24 अगस्त को इंटरनेशनल गुर्जर डे को भारी से भारी जनसंख्या में हमारे रैली में साथ दें, और इस दिन अपने घर में खीर पूरी का प्रसाद बनाएं, और इस दिन अपने घर में घी के दिए जलाएं, और सारे भाइयों को राम राम। तो अनुराग जी, इन दर्शकों ने यहाँ पर एक सवाल पूछा है कि गुर्जर समाज की जनसंख्या हमारे देश में कितनी, और अगर पर्टिकुलर हम इंडिविजुअल स्टेट्स की देखें तो यहाँ पर कितने मौजूद है, ये सारे सवाल ये जानना चाहते हैं इनके जवाब जी। देखिए, ये सवाल बहुत लोगों का आया है और बहुत लोग इस सवाल के बारे में फोन पर भी मेरे से पूछते रहते हैं, और मैं भी और लोगों से इस बारे में पूछता रहता हूँ। देखिए, गुर्जर समाज, पहले हमें ये देखना होगा कि गुर्जर समाज निवास कहाँ कहाँ करता है। गुर्जर समाज जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, पंजाब में है, चंडीगढ़ में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, दिल्ली में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में है, और नीचे महाराष्ट्र तक गुर्जर मिलेंगे आपको, गुजरात और महाराष्ट्र तक। उसके बाद साउथ के जितने भी प्रदेश हैं उन सब में गुर्जर हैं, मगर वो प्रवासी हैं, राजस्थान से जाके बसे हैं,
ज्यादातर, या वहां काम धाम के चक्कर में, काम धंधे के चक्कर में वहां लोग हो गए हैं। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि इन किन प्रदेशों में हम हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया हम 16 प्रदेशों में निवास करते हैं, तो कुछ प्रदेश में तो निवास करते हैं वहां के वासी हैं, और कुछ प्रदेशों में जैसे साउथ के प्रदेश है वहां प्रवासी हैं। धीरे धीरे कई जगह ऐसी हैं जो हमें पता चली जहां पर हमें पहले पता भी नहीं था कि गुर्जर समाज के लोग हैं, जैसे कि सोनभद्र और मिर्जापुर से लोगों ने अभी संपर्क किया हमसे, और अभी मेरी पीछे खुर्शीद भाटी जी से जो हमारे समाज के इतिहासकार हैं उनसे भी बात हुई, तो वो बता रहे वो पीछे वो भी 1.25 साल पहले एक सम्मेलन में गए थे ईस्टर्न यूपी में, तो बोल रहे कि गोरखपुर से भी कुछ गुर्जर आए हुए थे वहां पे। तो ये है पूरे देश में गुर्जर फैले हुए हैं और कहीं पर वास करते हैं, कहीं कहीं के वो प्रवासी हैं। ये अब बात आती है गुर्जरों की जनसंख्या की। ये एक बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जिसका एक एग्जैक्ट जवाब, इसका एक एग्जैक्ट फिगर किसी के पास नहीं है। कोई कितने बताता है, कोई कितने बताता है, मगर मैक्सिमम जिन लोगों से बात हुई है, जो भी जितने भी समाज के लोग जो धरातल पे काम कर रहे हैं और विभिन्न प्रदेशों में जाते रहते हैं, आते रहते हैं, तो एक तो मैं आपको बताऊं गुर्जर समाज के लोग जो हैं वो हिंदू धर्म में भी हैं, वो सिख धर्म में भी हैं, वो मुस्लिम धर्म में भी हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर में हो गए, जम्मू कश्मीर और कुछ एरिया हिमाचल का है और कुछ उत्तराखंड का है जहां वन गुर्जर हैं, और यहां पे ये यूपी में सुल्तानपुर की तरफ, अमेठी की तरफ, और जहां खुर्शीद भाटी जी ने बताया यहां पर क्या है, मुस्लिम गुर्जर हैं। पंजाब और चंडीगढ़ के एरिया में काफी सिख गुर्जर हैं और बाकी सारी जगह पर हिंदू गुर्जर हैं। तो मुख्य बात यह है कि भी जनसंख्या कितनी है हमारी। तो जनसंख्या जिनसे भी बात हुई मेरी, जिन लोगों से भी बात हुई, त्रिभुवन सिंह जी से बात हुई, खुर्शीद भाटी जी से बात हुई, और भी विभिन्न संगठनों के लोग हैं, या और जो कुछ अपने समाज के ऐसे हैं जो लोग पॉलिटिकल पार्टी बनाई हुई है जिन्होंने, या जो राजनीतिक अलग अलग पार्टियों में जुड़े हुए हैं, तो उनसे बात हुई, तो सबका एक लगभग एक अनुमान ये आता है कि 1.5 से 2 करोड़ के बीच में हमारी जनसंख्या होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा गुर्जर कहां हैं, सबसे ज्यादा गुर्जर हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद दूसरा नंबर आता है हमारा राजस्थान का, और राजस्थान के बाद तीसरा नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। तो इन तीन प्रदेशों में बहुत अधिक संख्या है हमारी। और इसके अलावा जैसा कि लोगों से बात होती रहती है मेरी, तो सबका एक लगभग अनुमान है कि 1.5 से 2 करोड़, तो लगभग ये मान लीजिए आप कि देश की आबादी का 1% तो हिस्सा है गुर्जरों की। अब कोई किसी ने पीछे आके दिल्ली में स्टेट में 27 करोड़ गुर्जर हैं, कोई बोलता 33 करोड़ गुर्जर, तो वो सारी मतलब निरर्थक बात है, उनका कोई तथ्य नहीं है, वो आधारहीन बात है। देखिए ना तो कोई सेंसस है किसी के पास, भाई जातिगत जनगणना जो जाति के हिसाब से है वो किसी के पास कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है। और अभी हम स्टडी कर रहे हैं पुराने गजट ईयर की, दो बच्चे उसी चीज पे लगा रखे हैं कि अंग्रेजों के समय में जब गजट ईयर लिखे गए तो उस टाइम अनुमानित मतलब उन्होंने कितनी जनसंख्या हमारी कहां का बनाई, तो एक टीम हमारी दो बच्चों की उसी चीज पे लगी हुई है जो उस फिगर को पुराने गजट ईयर में से एक कलेक्ट करके ये बना रहे हैं कि भी एक डाटा आ जाए हमारे पास, एक रफ डाटा जिसे बोलते हैं कि भी इतनी अनुमानित जनसंख्या है गुर्जरों की। तो आज के वर्तमान में जो कास्ट सेंसस है उसका कोई ऐसा अभी कोई फिलहाल ऐसा कोई आया नहीं है पुख्ता सबूत कि भी गुर्जर कहां हैं, मतलब कितने हैं गुर्जर कहां और कितने कितने हैं, वो एग्जैक्ट फिगर किसी के पास नहीं है। तो ये एक लगभग अनुमानित आंकड़ा है जो मैं आपको बता रहा हूं कि 1.5 से 2 करोड़ और देश की जनसंख्या का 1% गुर्जर है, ये मान के चलिए। राज्य जैसे कि आपने बताया कि गुर्जर समाज की मौजूदगी हम देश के कोने कोने में देख सकते हैं, तो उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वहीं हमारे कुछ और दर्शक भी हैं राज्य यहां पर हैं, मौजी राम जिला सवाई माधवपुर राजस्थान से, अनिल गुर्जर और सौरभ गुर्जर गांव नहालपा गुड़गांव हरियाणा से। आइए आपको सुनाते हैं इन्होंने क्या कुछ पूछा है। साहब मैं मौजी राम सिंह चिशिवार जिला सवाई माधोपुर राजस्थान से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ राष्ट्र खबर को, जो आपका मुद्दा आपका सवाल
प्रोग्राम दिखा रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं अखिल भारतीय वीर गुजर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग जी बेंसला, जो समाज के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। तो मेरा उनसे एक ही सवाल है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के पटेल पाटीदार गुजर ही हैं। राम भाई, मैं नील गुजर, गांव बैलपा से, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव से। राम राम भाई, मैं सौरभ गुजर, गांव बैलपा से, अनिल गुजर को छोटा भाई हूँ। सोशल भाई, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने हमारे गुजर समाज को चिताया। उसके बाद मैं जो क्वेश्चन करना चाहता हूँ सरदार पटेल को लेकर है। जैसे कि आपने रिसेंटली इंटरव्यू में बताया था कि सरदार पटेल गुजर जाति से बिलोंग नहीं करते और उनकी फैमिली ने भी यह मना कर दिया है, तो भाई यह किस रीजन से मना किया है, जबकि हमारा समाज है वो काफी टाइम से यह मानता है, काफी दशकों से कह रहा है सरदार पटेल गुजर जाति से बिलोंग करते हैं। उसके बाद अब उसकी फैमिली है जो मना कर रही है, तो किसी पॉलिटिकल रीजन से मना कर रही है या फिर किसी और रीजन से? अगर वह मना कर रही है तो आप कृपया हमें यह बताने का कष्ट कीजिए कि वह किस जाति से बिलोंग करती है। जी बिल्कुल। तो अनुराग जी, यहाँ पर जो सवाल है, एक तो ये है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के पटेल और पाटिल क्या गुर्जर हैं या नहीं। वहीं इन्होंने हमारे उस जिक्र के बारे में भी किया है जो हमने पहले एपिसोड में हमने सरदार पटेल जी के बारे में किया था। तो यहाँ पर कुछ डाउट्स हैं हमारे दर्शकों के जहन में कि उनकी जो जाति है क्या वो गुर्जर जाति से है या नहीं, क्योंकि जो उनकी फैमिली है ये सुनने में भी आया, ये देखने में भी आया कि उनकी जो फैमिली है इस चीज को मना कर रही है, डिनाई कर रही है। तो यही क्वेश्चंस इनके दर्शकों के हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या उनका जो वो डिनाई कर रहे हैं वो सही है या गलत है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, वो सब हमारे दर्शक यहाँ पे जानना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप इनके डाउट्स जो है पूरी तरह से सेटिस्फाई किए और क्लियर। देखिए, पटेल और पाटिल के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पिछले एपिसोड में भी समझा चुका हूँ, बिल्कुल मैं दोबारा उस चीज को रिपीट करता हूँ। पटेल और पाटिल ये क्षेत्र के हिसाब से टाइटल हैं, जैसे हमारे यहाँ पर चौधरी हैं, चौधरी गुर्जर भी लगाते हैं, चौधरी जाट भी लगाते हैं, चौधरी मुस्लिम भी लगाते हैं, चौधरी पंजाबी समाज के लोग भी लगाते, चौधरी हरिजन समाज के लोग भी लगाते हैं। तो चौधरी ये टाइटल हैं ये सारे, पिछली बार मैं बिल्कुल ढंग से समझा चुका हूँ, उसके बावजूद बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं कि भैया इसको बिल्कुल क्लियर कीजिए, क्लियर क्लियर। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। पटेल और पाटिल में पहले महाराष्ट्र में आते हैं। देखिए, पटेल टाइटल हमारे एरिया में भी कब आया, सरदार पटेल के बाद, और पहले जैसे अब हम यहाँ चौधरी लगाते हैं, तो आप ये देखिए 60 साल पहले आप देखिए अपने जो आपके दादाजी थे उन पे जाइए, उस टाइम सिंह लगता था टाइटल यहाँ पे, और उसके बाद जो आपके पिताजी के, हमारे पिताजी के उम्र के जो लोग हैं उन्होंने चौधरी लगाना शुरू किया। तो पहले आप पुराने देखोगे तो सब सिंह लगाते हुए आ रहे हैं, और ये भाई 50-60 साल पहले ही ये जो चौधरी टाइटल है ये लगना शुरू हुआ हमारे एरिया में, दिल्ली एनसीआर में। उससे पहले आप जितने भी बड़े बुजुर्गों के नाम देखेंगे उनके सबके नाम के आगे सिंह है, तो सिंह लगता था तब टाइटल, ये चौधरी लगना तब शुरू हुआ। इसके अलावा जो पटेल हैं और जो पाटिल हैं ये भी टाइटल ही हैं। महाराष्ट्र पे आ रही है, महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में मैं पहले आता हूं कि कौन कौन से समाज, महाराष्ट्र में कई समाज हैं जो अपने नाम के आगे पाटिल लगाते हैं, उनमें गुर्जर समाज भी, उनमें मराठा समाज भी है, और भी कई समाज हैं जो पटेल, ये पाटिल जो टाइटल लगाते हैं। अब आइए गुर्जर समाज के ऊपर। गुर्जर समाज महाराष्ट्र में 5 जगह बटा हुआ है। एक है डोडे गुर्जर, डोडे गुर्जर में जैसे वहां के विधायक हैं वहां पर, जो भी वर्तमान में और मंत्री भी हैं, गुलाबराव पाटिल, वो डोडे गुर्जर हैं। या फिर जो टीके अन्ना पाटिल थे, जो पहले कांग्रेस के विधायक रहे हुए थे, अब उनका पीछे स्वर्गवास हो गया, टीके अन्ना पाटिल लेवा गुर्जर हैं। गुलाबराव पाटिल डोडे गुर्जर हैं, टीके अन्ना पाटिल लेवा गुर्जर हैं, और गिरीश महाजन कैबिनेट मिनिस्टर महाराष्ट्र सरकार के, वो रेवा गुर्जर हैं। और वहां पर ये 3 हो गए, चौथे हैं वहां पे बड़ गुर्जर, जैसे सुरेश भाऊ बड़ गुर्जर बहुत प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, चोपड़ा में रहते हैं, महाराष्ट्र के जलगांव जिले के चोपड़ा तहसील में रहते हैं। और एक और है वहां पर 5वां सेक्शन जिसे बोला जाए गुर्जरों का, 5वां सेक्शन जो बोला जाता है, 5वां सेक्शन है सूर्यवंशी गुर्जर। तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है गुर्जर समाज वहां पर। इसके अलावा जो कोणकण का एरिया बैठता है, जो कोणकण का एरिया वहां भी अभी हमारा पीछे संपर्क हुआ लोगों से, तो वो
एक अलग टाइप के, वो छठे टाइप के हैं, वो कोणकण वाले हैं। वो ये बताते हैं कि 1300 कुछ में अकाल पड़ गया था गुजरात में, फिर उनको उनके पूर्वजों ने वहां से पलायन करके और वहां गए। वहां के एक टीचर हैं, प्रसिद्ध हैं, प्रभाकर शेठ जी, प्रभाकर शेठ लिखते हैं अपने नाम के आगे, तो उनके गोत्र अलग हैं, वो उनसे लगातार बात होती। तो वो ये बताते हैं कि कोणकण के 20 तहसीलों में, जो कोणकण एरिया जो है, जो मतलब जो समुद्र के साथ साथ का एरिया जो है, कोणकण एरिया जो कोणकण क्षेत्र में जो गुर्जर हैं, गुर्जर समाज के लोग हैं, वो 20 तहसीलों में, 20 तालुका बोलते हैं तहसील को, वहां पर 20 तालुकाओं में निवास करते हैं। अब एक चीज देखिए, जो एकनाथ खड़से हैं वहां से, उनके लिए किसी ने पीछे बोल दिया कि भाई गुर्जर है, वो गुर्जर नहीं है, वो क्या है, वो लेवा पाटिल समाज से है। लेवा पाटिल समाज अलग है, मराठा पाटिल अलग है, और गुर्जर पाटिल जो है वो अलग है। तो ये पाटिल जो है ये टाइटल है। अब जो उनकी जो बेटी है, उनकी वो जो उनकी पुत्र वधु जो है, जो यहां से सांसद है वहां से, रक्षा खड़से, तो रक्षा खड़से जो है वो लेवा गुर्जर हैं। उनकी जो पुत्र वधु है वो लेवा गुर्जर हैं और वो लेवा पाटिल हैं, अलग अलग हैं। उनकी बहू जो है वो लेवा गुर्जर है और वो खुद है लेवा पाटिल। तो ये चीज समझनी पड़ेगी। और इसके अलावा अब आते हैं गुजरात पर। गुजरात में पटेल काफी लोग लगाते हैं टाइटल की, उसमें पटेल समाज के लोग भी हैं जो पाटीदार जो हैं, और जो महाराष्ट्र का और गुजरात का जो बॉर्डर है वहां पर भी पटेल लगाया जाता है, गुर्जर समाज के द्वारा भी और पाटीदार समाज के द्वारा भी। तो मेरी अभी पीछे बात हुई उनसे, पाटीदारों से, तो हम सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि सरदार पटेल की बात आती है जब, तो सरदार पटेल की फैमिली से, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया कि सरदार पटेल की फैमिली से मिले तो उनसे पूछा गया कि आप क्या गुर्जर हैं, तो उन्होंने डिनाई कर दिया, नहीं गुर्जर नहीं है। तो मेरी और भी बहुत पाटीदार हैं, उनसे बात होती रहती है। आप लगाइए हमने कब से, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि 2010 से, 2010 में गुर्जर भवन हम जाके उन लोगों से मिले, गुर्जर भवन वालों से, उन्होंने बताया कि हमें कि भाई सरदार पटेल गुर्जर थे। तो हमने बोला जी सरदार पटेल के गुर्जर होने के क्या प्रमाण है, तो उन्होंने बोला बोले एक किताब है द इनडोमिटेबल सरदार, जिसके लेखक हैं KL पंजाबी, और उसके जो वो किताब जो है वो लिखी है KL पंजाबी ने, और उसके पब्लिशर जो है वो भारतीय विद्या भवन है। तो हमने वो किताब खरीदी, तो ये मैं आपको वो किताब दिखाना चाहूंगा, ये है वो किताब द इनडोमिटेबल सरदार। तो इस इनडोमिटेबल सरदार जो है, इस किताब में जब आप खोलेंगे तो चौथे पृष्ठ पर ही, फोर्थ पेज पर ही अर्ली लाइफ का एक चैप्टर आता है। तो ये अर्ली लाइफ का चैप्टर आता है, इसमें अर्ली लाइफ के चैप्टर में पहली 4-5 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और नोटिस करने वाली है। वल्लभ भाई पटेल बिलोंग टू द फेमस क्लैन ऑफ लेवा पाटीदार्स हु हैड प्लेड अ नोटेबल पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ गुजरात। देवर गुर्जर्स हु केम फ्रॉम पंजाब एंड हैड ऑक्यूपाइड रिच चार्टर लैंड बिटवीन द माही एंड द ताप्ती रिवर्स। तो ये इसमें किताब में लिखा हुआ है, तो उन्होंने हमें दिखाई, तो हमने कहा कि हाँ भाई सरदार पटेल के प्रूफ हैं ये, कि हाँ जी गुर्जर हैं KL पंजाबी ने जी। मगर जब यही चीज, अब बात ये, अब जब चीजों को हम प्रैक्टिकल करने जाते हैं, हमने भाई पटेल जयंती खूब मनाई है, हर जगह अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते थे हम सरदार पटेल को, और जो हम पेपरों में लिखवाते थे, जो हम पेपरों में लिखवाते थे, निकलवाते थे कि भैया सरदार पटेल गुर्जर, तो इसी किताब की फोटो कॉपी करवा के हम अपने प्रेस नोट के साथ अटैच करके उनको दे देते थे। देखिए उस समय में और अब में बहुत अंतर है। उस समय हमें भी चीजों का इतना ज्ञान नहीं था, अब धीरे 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 चीजों को समझ करके उनका ओके सब पता चल गया। मगर जब कुछ समय बाद हम कुछ और लोगों से जुड़े जो गुजरात के रहने वाले गुर्जर थे, जो गुजरात के रह रहे थे, तो उन्होंने हमें बताया, वो जो हमारे संस्थापक हैं अशोक पाटिल जी, वो तो बार बार कहते थे, बोले भैया आप इन्हें गुर्जर बोल रहे हो, मगर इनके यहां हम गुजरात में रहते हैं, जितने भी पाटीदार हैं वो अपने आप को गुर्जर नहीं मानते, बोले आप इनको गुर्जर बोल रहे हो, बोले हम तो यहां रहते हैं, ये कभी इस बात को स्वीकार नहीं करते कि हम गुर्जर हैं, और बोले हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं, महाराष्ट्र से और यहां तक जितने भी, बोले महाराष्ट्र में ये गुर्जर को पता है कि ये लोग नहीं मानते, इनसे कोई मतलब हमारा भाई रिश्ता नाता कुछ नहीं होता इन लोगों से, बोले ये अपने वो गुर्जर मानते ही नहीं है।
तो फिर हमने काफी लोगों से वहां कॉन्टेक्ट किया और इसके साथ साथ क्या हुआ, अब उस समय में और अब में एक मुख्य डिफरेंस ये है, मुख्य अंतर सबसे ज्यादा ये है, देखिए उस टाइम इतने बच्चे शिक्षित नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो इतने बच्चे अब आज की डेट में हजारों बच्चे गुजरात जाकर पढ़ रहे हैं, कहां कहां से, दिल्ली से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, तो वहां जाते हैं तो वो बोलते हैं, बोले भैया आप तो कुछ और बताते हो, वहां तो कहानी कुछ और है, आप तो हमें बताते आए हो कि भैया ये गुर्जर थे, गुर्जर थे बोल रहे, वहां तो वो बिल्कुल साफ बिल्कुल डिनाई करते हैं, बोल रहे हमें नहीं पता गुर्जर गुर्जर क्या होता है। तो उन लोगों से संपर्क किया गया, उन्होंने मना करा। अब मेरी एक मित्र है यहां, मित्र क्या, उनसे पिछले एक फंक्शन में मुलाकात हुई, अमित पटेल, मैंने उनसे पूरा उनसे इस बात पर गहन चर्चा हुई उनसे इस बात पर, मैंने बोला ये क्या है भाई साहब, इसको क्लियर कीजिए क्या है, तो वो ये बोल रहे, बोले देखो हम आपको एक चीज बताते हैं, बोले किताब में लिखा हुआ है, बोले आप किताब की बात मानोगे आप हमारी बात मानोगे, बोले तीन आदमी हैं, बोले मैं हूं, आप हैं और एक तीसरा व्यक्ति है, बोले एक व्यक्ति मुझे बोल रहा है कि मैं गुर्जर हूं, और बोल रहा है एक व्यक्ति मुझे बोल रहा है मैं कुर्मी हूं, और बोले जबकि मैं बोल रहा हूं मैं पाटीदार हूं, तो बोले दुनिया आपकी मानेगी उस तीसरे व्यक्ति की मानेगी या मेरी मानेगी, मैंने बोला ठीक बात है, मैंने बोला आपकी मानेगी, बोले देखिए हम पाटीदार हैं और वहां हमें इन चीजों की चीज मतलब कुछ नॉलेज है नहीं कि आप जो बोल रहे हैं इनके कोई हमारे पास ना तो कोई सबूत है ना आपके पास सबूत है, बोले हम पाटीदार हैं और इसलिए हमारा कोई संबंध नहीं है, वो बिल्कुल स्पष्ट कहना है उनका इस बात पे। अब हजारों बच्चे जो पढ़ रहे हैं वहां पे उनको तो सारी बातों की पता है कि भैया वो एक अलग कास्ट है हम एक अलग, तो हम कब तक उस चीज पे बात पे पर्दा डालेंगे, क्योंकि देखिए हमें क्या करना है, हमें बच्चों के पास सामने, देखिए जैसे अब तक हम अंधकार में रहे, अगर हम भी आगे बच्चों को ऐसे ही अंधकार में रखेंगे तो उससे क्या है, उससे कल को जैसे हम पिछले वालों पे दोष दे रहे हैं कल को आने वाली पीढ़ी वो हमारे ऊपर दोष रख देगी। और एक चीज देखिए, ठीक है उनकी उनका परिवार नहीं मानता सरदार पटेल जी का अपने आप को गुर्जर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ना माने ना कहे, कोई कुछ बोलता है बोल रहे भैया वो बड़े हो जाते हैं तब नहीं मानते, मतलब लोग अपनी बात गलत सिद्ध करने के को गलत को सिद्ध सही सिद्ध करने के लिए कुछ भी बोलते हैं कि भैया जो बड़ा हो जाता है ये, तो एक बार आप वहां जाके देखिए, हम आपको उनसे मिलवाएंगे, मेरी अशोक पाटिल जी से बात हो गई, वो बोल रहे भैया जिसके मन में भी डाउट है आप यहां भेजो, वो यहां आए और मैं एक नहीं मैं एक लाख आदमी से मिलवाऊंगा उसको, एक लाख पाटीदारों से मिलवाऊंगा और तब उसे क्लियर हो जाएगा, ना तो हम कोई भ्रम उत्पन्न करना चाह रहे हैं ना कोई गलत संदेश देना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं जो चीज हो क्लियर हो, क्लियरिटी आए लोगों के सामने। अब बात आती है सरदार पटेल की, सरदार पटेल अगर मैं बोलूं गुर्जर हैं और अगर मैं ना बोलूं गुर्जर नहीं है तो उससे कोई मैटर नहीं करता, उस बात का मैटर करता उनका परिवार उनको क्या बोलता है, उनका परिवार उनको गुर्जर नहीं मानता, ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मेरे कहने से आपके कहने से वो बात वो बदल नहीं जाएगा जब तक वो लोग नहीं बोलेंगे या उनको नहीं बताया जाएगा भाई हमारे पास क्या है इस किताब के अलावा, तो कुछ है नहीं हमारे पास जो हम उनके सामने ले जाके रख सकें कि जी ये है ये है, तो हम भ्रमित ना करें। और सरदार पटेल का गुर्जरों से संबंध क्या है वो मैं आपको बताता हूं, गुर्जर प्रतिहारों जितने भी सम्राट थे उनकी सबसे बड़ी आस्था का केंद्र था सोमनाथ का मंदिर, आजादी से पहले से ही मुगल काल में और फिर अंग्रेजों के समय में शत विक्षत रहा सोमनाथ का मंदिर, कितनी बार लूटा गया उस मंदिर को, मगर वो आस्था का विषय था, वो हमेशा वो सरदार पटेल जी ने उसका पुनः निर्माण करवा करके जो कार्य किया है वो इस पूरे देश के ऊपर और इस गुर्जर समाज के ऊपर उनका बहुत बड़ा एहसान है, और उन्होंने इतनी रियासतों को एक करके इस भारत का जो वर्तमान में जो अब आज स्वरूप है ये इसके देने वाले सरदार पटेल ही हैं, उनकी जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बन रहा है उनका स्मारक बन रहा है वो एकता भारत को एकता अखंडता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार पटेल हैं। तो सरदार पटेल की जयंती मनाए जैसे हम पहले से मनाते आ रहे हैं, मगर थोड़ा हम इसमें ये संशोधन कर दें, उनको उनका परिवार जब नहीं मानता तो गुर्जर कह के उन्हें हम प्रचारित ना करें, क्योंकि कल को बाहर वालों को तो बाद में जवाब देंगे हम, पहले अपने घर में बच्चों को ही जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अब बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं सबको पता है अब तक जो हुआ,
क्योंकि ये जो भ्रम उत्पन्न किया गया है ना तो किसी संगठन का दोष है, इसमें किसी संगठन का दोष नहीं है ना किसी व्यक्ति का दोष है। ये क्या है, कुछ अपने आप को तथाकथित इतिहासकार सिद्ध करने वाले लोग क्या करते हैं, ऐसी अफवाहें छोड़ देते हैं, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, उसमें क्या होता है, उसमें सब उस आंधी में सब लोग बहे चले जाते हैं और बाद में क्या होता है, बाद में जब ऐसी चीजें आती हैं तो समाज को उसमें बहुत नीचा देखना पड़ जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि सरदार पटेल में जो आपकी आस्था है वो और ज्यादा बढ़ जानी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे पूर्वजों ने का जो आस्था का केंद्र था सोमनाथ का मंदिर, जो गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने, इसको गुर्जर सम्राट नागभट्ट द्वितीय ने उसका जीर्णोद्वार करवा के उसको उसका ऐसा भव्य बनवाया, और उसके बाद गुर्जरेश्वर भीमदेव सोलंकी ने जब सोमनाथ का मंदिर की जमीन तोड़ दिया था उसके बाद उन्होंने बनाया, तो ये हमारे पूर्वजों की आस्था का केंद्र रहा है। तो सरदार पटेल ने जो देश के लिए किया, जो समाज के लिए किया, वो आज तक किसी व्यक्ति ने नहीं किया, तो उनका मान, उनका सम्मान, उनका स्वाभिमान हमारे लिए सर्वोपरि है। जी बिल्कुल। तो अनुराग जी, आपने जिस तरीके से ये जवाब दिया है तो हमारे दर्शकों के जहन में जो सरदार पटेल जी के लिए जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, उससे सेटिस्फाइड यहाँ पर हो गए होंगे। तो एक और दर्शक हमारे साथ हैं, जगदीश गुर्जर चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, इन्होंने भी अपने सवाल हमारे सामने रखे, आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ इन्होंने पूछा है। सभी दर्शकों का मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं जगदीश गुर्जर चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, मैं सबसे पहले राष्ट्रीय खबर चैनल को तहे दिल से गुर्जर समाज की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतिहास, गुर्जर समाज से जुड़े इतिहास और जानकारियों को रखने के लिए एक बड़ा मंच दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एवं अखिल भारतीय गुर्जर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग जी से मेरा एक सवाल है कि गुर्जर समाज का जो बहुसंख्यक है वो राजस्थान में निवास करता है, जिनमें गुर्जर समाज में बालिका शिक्षा की स्थिति बहुत दर्दनीय है, जिनमें सुधार के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जानना चाहता हूं कि आपकी संस्था एवं पूरे गुर्जर समाज की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें बालिका शिक्षा को सुधारा जा सके, प्लीज मुझे बताइए। तो अनुराग जी, यहां पर इन्होंने बेहद ही संवेदनशील, जिसे हम कह सकते हैं, ऐसा सवाल पूछा है लड़कियों के विषय में कि क्या गुर्जर समाज लड़कियों की शिक्षा पर कितना फोकस कर रहा है और कितना इनिशिएटिव गुर्जर समाज लड़कियों की पढ़ाई को लेकर रखता है। जी देखिए, पहले से और अब की स्थिति में बहुत अंतर है। अब हमारे समाज में बहुत जागरूकता है और बच्चियों की शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा जागरूकता है, और शिक्षा ही नहीं, खेल में भी बहुत सारी बच्चियां आगे आ रही हैं हमारे समाज की। आप देखेंगे पीछे, अभी कुछ सालों पहले एक आईपीएस बनी पूजा आवाना, नोएडा से थी, और इसी साल किरण भड़ाना जो फरीदाबाद से ही है वो बनी है। तो ऐसा नहीं है, और आने वाली पीढ़ियों में देखिए बच्चियां बहुत आ रही हैं हमारे समाज में, शिक्षा का स्तर और खेलों का स्तर बच्चियों में बहुत एक आगे बताइए अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और काफी अभी 10th में 12th में देखेंगे आप, हमारे फेसबुक पेज पे देखिए अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा पे, कितनी बच्चियों के जो 90+ 98 99 तक नंबर आ रहे हैं। तो ये धीरे 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 परिवर्तन है, और ये इतने वर्षों की जो मुगल काल और अंग्रेजों तक काल तक जो भाई समाज बिल्कुल मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाया संघर्ष के कारण, निरंतर देश की आजादी के लिए जो संघर्ष जारी रहा समाज का। अब मैं आपको इसमें एक चीज और बताता हूं कि जिस समय गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का राज्य था, उस समय के ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि जो महिलाएं थी और पुरुष थे, देश के, खाली गुर्जर समाज के नहीं, पूरे देश के 100% शिक्षित समाज था, जो उस समय भाषा चलती थी वो सभी लोगों को लिखनी और पढ़नी आती थी। तो ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, अब ये धीरे धीरे उसी मुख्य धारा में लौट रहे हैं। और इन्होंने जो ये बताया कि भी बालिका शिक्षा के ऊपर राजस्थान में भी छोटी उम्र में शादी कर देते हैं, तो इसके लिए और हम वहां पर क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से जागरूक कर रहे हैं और किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो जवाब देने वाले हैं वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं मनीष गुर्जर जी, उनका वीडियो मंगाया है मैंने, वो दिखाते हैं आपको।
वो बताएंगे कि उन्होंने किस तरीके से धरातल पर जाकर के कैसे वहां बालिकाओं के जो बच्चियों की जो शिक्षा में जो अड़चन आ रही थी, रोड़े आ रहे थे, कई जगह जो समस्याएं आ रही थी उनका कैसे समाधान किया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार मनीष जी का जो वीडियो मंगवाया है हमने, जगदीश जी का जो प्रश्न है उसका जवाब में वो दिखाएं एक बार। मैं मनीष गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान। आज प्रदेश कार्यालय से भाई जगदीश गुर्जर जो चित्तौड़गढ़ से हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल किया था कि वीर गुर्जर महासभा राजस्थान में और अन्य राज्यों में बालिकाओं के लिए क्या कर रही है। तो जगदीश भाई, मैं आपको ये कहूंगा कि बालिकाओं के लिए हमने पहले भी और अभी भी और आगे भी निरंतर जो है हम लोग प्रयासरत रहेंगे। बालिकाओं के लिए हमने सर्वप्रथम 2014 के अंदर, हमारे यहाँ पे भरतपुर जिला है, भरतपुर जिले में बयाना तहसील के अंदर हम लोगों ने एक देवनारायण कन्या महाविद्यालय था, उसके अंदर जो लड़कियां थी वो बहुत ज्यादा परेशान थी और परेशानी के वजह से वो ना तो पढ़ने जाया करती थी और उनका हाल इतना बुरा हो चुका था कि आसपास में शराब की दुकानों के कारण इतने असामाजिक तत्व उन पर भद्दे भद्दे कमेंट किया करते थे। तो इन सब चीजों से परेशान होकर वो सब जो लोग जयपुर आए, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीमान डॉक्टर शैलेंद्र गुर्जर उनके साथ आए और हमें उनकी कहानी बताई, उनकी पीड़ा बताई। हमने उनकी पीड़ा समझकर उसी दिन हमारे यहाँ से एक टीम तैयार करी जिसमें मैं, मनीष बरगढ़, साथ में हमारी पूरी राजस्थान की प्रदेश की टीम साथ गई और राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक श्रीमान कालूलाल गुर्जर के कार्यालय में जाकर हमने एक अपने लेटर पे उनको लिख के दिया और उनकी परेशानियां हमारी खुद की परेशानी को लेकर बताया। आने वाले 1 से 1.5 दिन के अंदर उन्होंने श्रीमान अरुण चतुर्वेदी जो कि राजस्थान के समाज कल्याण मंत्री है, उन्होंने 4 से 5 दिन के अंदर इस परेशानी को सॉल्व किया और जो लड़कियां उस महाविद्यालय में अध्ययन कर रही थी उनको अपना अलग से भवन दिया। अब आने वाले दिनों में वो भवन बनकर तैयार होने वाला है और वो सारी लड़कियां आज बहुत खुश है, वीर गुर्जर महासभा को बहुत धन्यवाद देती है। इसके अलावा दूसरे काम में बताऊं तो राजस्थान में हमारे यहाँ पे सामूहिक विवाह समिति एक बनी हुई है, उसमें हम 4 से 5 सालों में निरंतर जो है यहाँ की हमारे गुर्जर समाज की गरीब बच्चियां और जो आम गुर्जर है उनको हम लोग उस सामूहिक विवाह समिति के माध्यम से शादी के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कम खर्च में वो शादियां की जाती है। 4 से 5 साल से हमारी टीम तन मन धन से लगी रहती है, हमारे सारे बच्चे मिलके 50,000 से लेके 1.5 लाख तक का डोनेशन उसमें देती है। बिल्कुल अनुराग जी, तो जिस तरीके से हमारी सरकार भी पीछे नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकर आई है, वैसे ही गुर्जर समाज भी पीछे नहीं है। कहीं ना कहीं क्यों, गुर्जर समाज काफी हद तक बहुत ही बेहतरीन कदम उठा रहा है लड़कियों को पढ़ाने को लेकर और उन्हें बहुत आगे, जिसे कहते हैं ना, उन्नति तक पहुंचाने का, उन्हें बढ़ावा देने की बहुत सराहनीय कदम यहां पर उठाए गए। और जो यहां पर दिखाया है हमने, मनीष गुर्जर राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में जो काम हुआ है वो बहुत ही बेहतरीन है और सराहनीय कदम यहां पर उठाए गए। क्योंकि जिस तरीके से बताया गया था कि बालिका जो स्कूल है वहां पर जो आसपास में जो तत्व थे बहुत ही परेशान करने वाले थे, क्योंकि लड़कियों को जरूरत होती है एक सिक्योरिटी की, बहुत जरूरत होती है सिक्योरिटी, क्योंकि जब सुरक्षित माहौल होगा तो वो अपने आप को सुरक्षित फील करेंगे, महसूस करेंगे और उनको उसी हिसाब से बढ़ावा में मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से यहां पर कदम उठाए गए हैं उनको बढ़ाने के लिए काबिले तारीफ है, क्योंकि अब इस कदम के बाद जो स्कूल की जो बिल्डिंग जर्जर हालात में थी, काफी खराब हालात में वहां पर मौजूद है, अब वो विकसित होने वाला है और बहुत जल्द उसकी नई बिल्डिंग शुरू हो जाएगी और नया स्कूल यहां पर बेटियों को पढ़ने के लिए मिलेगा। जी बिल्कुल अनुराग जी, जैसे कि हमारा कार्यक्रम है आपका मुद्दा आपका सवाल, तो दर्शक यहां पर अपने सवालों के साथ साथ बधाई संदेश भी हमें देते हैं। तो यहां पर एक दर्शक है अनिल गुर्जर जयपुर राजस्थान से, जिन्होंने अपने बधाई संदेश हमको दिए हैं, तो हम उनका बहुत ही स्वागत करते हैं। राम राम साहब, मैं अनिल गुर्जर जयपुर राजस्थान निवासी हूँ। मैं सर्वप्रथम राष्ट्र खबर व राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय वीर गुर्जर समाज के अनुराग जी वैसला को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज से पूर्व किसी भी न्यूज चैनल
वे किसी भी महासभा ने इतने विशाल रूप से गुर्जर समाज का इतिहास नहीं दिखाया है। आप दोनों ने मिलकर जो इतना अच्छा प्रयास किया है वह काबिले तारीफ है। आप निरंतर ऐसे कार्यक्रम करते रहे जिनसे हम युवाओं को अच्छे प्रोत्साहन मिले। जय देवनारायण, जय मीर भोज। राम राम जी, जय मीर भोज, जय देवनारायण। मैं समाज के सभी बंधुओं से एक अपील करना चाहूंगा। भाइयों, पिछले 15-20 दिन पहले हमारी अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की जो टीम की मीटिंग थी पानीपत गुर्जर भवन में, तो वहां गए हम गुर्जर भवन में मीटिंग के लिए। तो वहां जाके हम वहां रहते हैं जसवीर भाई, जसवीर चेती जी, जो गांव घुसलाना से हैं, जींद में पड़ता है, वहां के हैं। और पानीपत गुर्जर भवन के जो बेसमेंट में है वहां वो शूटिंग सिखाते हैं बच्चों को। तो शूटिंग एक अच्छा गेम है और आप देख रहे हो कि इंडिया को गोल्ड मेडल भी पीछे ओलंपिक में शूटिंग में ही दिलवाया अभिनव बिंद्रा ने, उससे पहले राज्यवर्धन सिंह राठौर, और काफी मेडल आ चुके हैं शूटिंग में। तो ये एक ऐसा खेल है जो आगे की समय में मतलब बढ़ रहा है, उसका रुझान भी बढ़ रहा है। तो मैं समाज के सभी बंधुओं से एक अपील करना चाहूंगा कि जो भी बच्चे शूटिंग सीखना चाहते हैं वो वहां पर गुर्जर भवन में जरूर संपर्क करें, क्योंकि इससे क्या होगा, स्पोर्ट्स के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा और एक अपनी एकेडमी है, अपने समाज का व्यक्ति और अपने गुर्जर भवन के सहयोग से चलाई जा रही है, अपने गुर्जर समाज के सहयोग से चलाई जा रही है। तो मैं यही अपील करना चाहूंगा। उनकी एक वीडियो है जिसको अभी हम आपको दिखाते हैं और इसको ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और इसमें देखिए आप कि ये किस प्रकार से कैसे बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं और उन्नति के मार्ग पर ले जा रहे हैं। द्रोणाचार्य शूटिंग एंड डिफेंस एकेडमी, सेक्टर 24, पूजा रोड, गुज्जर भवन, पानीपत। फोन 9463338020। द्रोणाचार्य शूटिंग एंड डिफेंस एकेडमी, 10 मीटर एयर राइफल एंड पिस्टल राइफल, जर्मनी की राइफल व पिस्टल द्वारा ट्रेनिंग, नेशनल व एक्स आर्मी फोर्स द्वारा शूटिंग की ट्रेनिंग, स्पेशल फिजिकल की ट्रेनिंग, स्पेशल योगा की ट्रेनिंग, शूटिंग के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं, वातानुकूलित शूटिंग रेंज, हॉस्टल की सुविधा, मेडिकल की सुविधा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आईटीबीपी, बीएसएफ, रेलवे व पुलिस की भर्ती के लिए फिजिकल व रिटन टेस्ट की तैयारी कराई जाती है। द्रोणाचार्य शूटिंग एंड डिफेंस एकेडमी उपलब्धियां, 60 बच्चों का आर्मी में सिलेक्शन, गौरव तोमर का रिकॉर्ड आर्मी में 581/600, रोहित कुंडू 25 मीटर शूटिंग में नेशनल गोल्ड मेडल, गुरमीत जूनियर वर्ल्ड कप 25 मीटर शूटिंग में गोल्ड मेडल, सारा दहिया गोल्ड मेडल ऑल इंडिया इंटर स्कूल कंपटीशन। शूटिंग और फिजिकल के लिए संपर्क करें एक्स आर्मी कोच जसबीर कुमार, मोबाइल 9466333820। रिटर्न टेस्ट की तैयारी के लिए संपर्क करें देवेंद्र सर, मोबाइल 9466589511। आइए और देश का गौरव बनिए। एडमिशन ओपन, फाइनल टेस्ट 29 जून, क्लासेस स्टार्ट फ्रॉम 1 जुलाई। द्रोणाचार्य शूटिंग एंड डिफेंस एकेडमी, सेक्टर 24, ऊजा रोड, गुज्जर भवन, पानीपत। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपके सवालों के जवाब आपको यूं ही मिलते रहेंगे अनुराग जी के माध्यम से, जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहेंगे। तो अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास जानकारी के लिए, स्टूडियो में हमारे साथ आप मौजूद थे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार। आपका मुद्दा, आपका सवाल।